Good morning. Good morning. Good morning. ठीक है, एक बार और स्कूल का नाम बता दीजिए जरा। ये कौन सा क्लास है बच्चे लोग? सिक्स क्लास। कौन सा क्लास है ये? टेन क्लास। ठीक, शिक्षा पे चर्चा के दौरान अभी हम आपके विद्यालय में आए हुए हैं। क्या कुछ विद्यालय का नाम है, अपना परिचय देते हुए इस विद्यालय के बारे में और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, टीचरों की क्या कुछ संख्या है, टीचरों की क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सर, अपना परिचय देते हुए इस विद्यालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। मैं राजेश रोशन, विद्यालय का निदेशक। मेरा विद्यालय 2005 से संचालित है और यहाँ पे रूरल एरिया में बच्चों को साक्षर करने का काम कर रहा है। बहुत ही कम फीस में, बहुत ही मेहनत करके हमारे जो शिक्षक हैं, बहुत ही मेहनती और बहुत ही जुझारू हैं, वो अच्छे तरह से काम करके और बच्चों को इस परिवेश में अच्छी तरह से शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। मेरे यहाँ मैक्सिमम जो शिक्षक हैं वो ट्रेंड हैं, वो कुछ DL.ED ट्रेनिंग की प्राप्त हैं, कुछ BEd प्राप्त हैं। इस तरह से सारे मैक्सिमम शिक्षक जो हैं वो ट्रेंड हैं और यहाँ जो है कक्षा नर्सरी से 8 तक की कक्षाएँ चलती हैं। कितने बच्चे हैं सर आपके विद्यालय में? 600 हैं। 600 हैं। और शिक्षकों की संख्या सर बताइए एक बार। शिक्षक 20 हैं। 20 शिक्षक हैं। शिक्षिकाएँ मतलब लेडीज टीचर सर? 10 के आसपास। 10 के आसपास। नर्सरी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि नर्सरी से लेकर 8वीं तक वर्ग यहाँ संचालित की जाती है, तो नर्सरी में जो टीचर हैं उनके बारे में थोड़ी सी बताइए। नर्सरी में DL.ED ट्रेन टीचर हैं। DL.ED ट्रेन टीचर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP के तहत में कहा गया है कि नर्सरी और प्राइमरी कक्षाओं में जो है सो NTT नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की हुई महिलाएं या लड़की जो है सो टीचर बन सकती हैं और वो बच्चों को पढ़ा सकती हैं, तो इसके बारे में बताइए सर। तो अभी तो उस तरह का नहीं हुआ है, लेकिन DL.ED ट्रेनिंग किए हुए हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए। हम आशा करेंगे कि आने वाले नए सेशन में और इस सेशन में जो है सो आपका ये विद्यालय जो है सो एक अच्छा ब्रांड और एक अच्छी पहचान अपना बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर।